फिरोजाबाद में एक घर में तोड़फोड़ का काम कर रहे एक मजदूर की अचानक से गिरकर बेलचे से सिर में चोट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो मजदूरी का काम कर रहा था, उस घर में ऊपर चढ़कर वो तोड़ने का प्रयास कर रहा था, तभी अचानक से उसका हाथ छूट गया और वो उस बेलचे पे आकर गिर गया, जिसके चलते उसके सिर में गहरी चोट लगी और अस्पताल लाते वक्त उसकी रास्ते में मौत हो गई। फिरोजाबाद से अजय शर्मा, SKH न्यूज। हेलो, हाँ ठीक है, बता रहा हूँ, ये नंबर अपना बोल रहे हैं आपका गोरीलाल। मृतक के कौन है? बेटा उनका। क्या मृतक का क्या नाम है? मुनीश कुशवाहा, श्री मुनीश कुशवाहा। तो क्या मामला हुआ, क्या क्या दुर्घटना हो गई? ऐसा था कि हम, मैं और मेरे एक साथ जी, मेरे भाई हैं सचिन, हम दोनों और मेरे पिताजी, तीनों लोग हम काम कर रहे थे वहाँ पे। तो पापा जी ने उसमें बेलचा फंसाया, समझे, तो वो बेलचा रपट गए, पापा जी नीचे गिर गए। नीचे गिरने से मैं वहीं से नीचे ही से ऊपर से नीचे कूद पड़ा जल्दी में। मैंने कि कहीं मैंने पापा के कहीं चोट ना लग जाए। मैं नीचे जैसे ही उतरा और मैंने देखा तो पापा जी को कुछ सिर में से खून निकल रहा था। हाँ, सो वहाँ से फिर मैं उनको ठेला लेके और हॉस्पिटल ले के आ चुका। जी, तो मतलब क्या काम चल रहा था वहाँ पे? रणवीर हैं, उनके मकान पे काम चल रहा था, उनका मकान फूट रहा था। यही करते हैं हम लोग। जफर बेग, मैं मृतक का रिलेशन में साला हूँ। मामला ये हुआ, सामने क्या नाम उनका मकान मालिक का बेटा, रणवीर के मकान का पुराने का तोड़फोड़ हो रही थी, तो ये मजदूरी बेलदारी करते हैं, तो ये इनका बेटा गोरेलाल और ये सचिन, ये तीनों लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, तो उन्होंने दीवार तोड़ने के लिए बेलचा फंसाया, कोई सपोर्ट मिला नहीं, हाथ इनके बेलचे पे गिरे, ऐसे ही कैसे पीछे आके चारों खाने चित्त गिरे, दिमाग के बल गिरने से। फिर इनका बेटा उतराया ऊपर से, हम लोगों के पास सूचना आई, अब तक ट्रामा सेंटर लेके आए हैं, काम तो इनका वहीं हो गया था।